रिलीज हो गई है अगले T20 त्रिकोणीय सीरीज के लिए पूरा फिक्स्चर। तो कब, कहां और किसके साथ होगा यह मैच, ये सब कुछ जानने की कोशिशें करेंगे इस वीडियो में। तो आगे आने वाला है T20 विश्व कप 2024, जिसके लिए नेपाली टीम अभी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। हालांकि अब तक यानी 2024 में नेपाल ने सिर्फ वनडे मुकाबले ही खेले हैं, लेकिन अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब T20 स्पेशलिस्ट या यूं कहें T20I के रिकॉर्ड किंग नेपाल फिर से शुरू करने जा रहा है T20 मैचों का श्रृंगार। बताएं कि अगले विश्व कप को नजर में रखते हुए 27 तारीख से नेपाल, नीदरलैंड्स और नामीबिया के बीच एक T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आयोजन किया गया है, जो कि इस 27 तारीख से शुरू होकर मार्च 5 तारीख तक चलेगा। इस सीरीज के लिए कैन के तरफ से आज 18 सदस्यों वाली नेपाली स्क्वाड की घोषणा भी की गई है, जिसमें रोहित पौडेल कप्तान है। उसके बाद आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र एरी, ललित राजवंशी, करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतिस जीसी, संदीप जोरा, विनोद भंडारी, विवेक यादव, अनिल साह, रशीद खान, सागर ढकाल, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा को शामिल किया गया है। देखा जाए तो लगभग जो स्क्वाड हमें वनडे सीरीज के समय देखने को मिला था, वही सेम टीम हमें T20 में भी देखने को मिला है। वहीं मैच फिक्स्चर्स की बात करें तो सीरीज का पहला ही मैच नेपाल और नामीबिया के बीच खेला जाएगा, जिसे आप फैन कोड ऐप पर या एक्शन स्पोर्ट्स HD YouTube चैनल पर 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद नेपाल और नामीबिया के बीच पहले मैच के बाद 28 तारीख को यानी उस दिन के बाद नेपाल नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलेगा, और उसके बाद मार्च 1 में फिर से नामीबिया के साथ और मार्च 2 में नीदरलैंड्स के साथ अपना अंतिम मैच खेलेगा। तो वनडे सीरीज में एक डीसेंट शुरुआत पाने के बाद नेपाल चाहेगी कि विश्व कप से पहले फुल फॉर्म में लौट आए और विपक्षियों की छक्के छुड़ा के नई नई रिकॉर्ड बनाए। तो आपको क्या लगता है इस सीरीज का खिताब अंत में किसके नाम होगा, अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।